नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक ब्लॉग चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। मैं माझी रेलवे स्टेशन पे हूं और यूपी और बिहार का ये बीच में पड़ेगा माझी रेलवे स्टेशन। और मैं आपको बता दूँ, जो डबल लाइन के लिए माझी का जो ब्रिज तैयार हो रहा है रेलवे का, वो कितना काम उसका प्रगति पे है और कितना तक अभी प्रोग्रेस हुआ है और कितना अभी बाकी है, कितना समय लगेगा इस रेलवे स्टेशन और रेलवे का जो डबल लाइन के लिए पुल बनाया जा रहा है माझी का ब्रिज, उसको मैं आपको दिखाऊंगा उस ब्रिज को और यहाँ का क्या अपडेट है माझी रेलवे स्टेशन का और डबल लाइन के लिए। तो चलिए फिर दिखाता हूँ। और बैक साइड में आप देख सकते हो कि ये है माझी रेलवे स्टेशन और मैं अभी खड़ा हूँ माझी के रेलवे स्टेशन पे। तो ये आपको रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूँ, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है अलिया और छपरा के बीच में पड़ता है, बिहार यूपी के बीच में पड़ता है माझी पुल, माझी ब्रिज, माझी रेलवे स्टेशन। तो चलिए माझी रेलवे स्टेशन को आपको दिखाते हैं, ब्रिज जो डबल लाइन रेलवे के लिए बन रहा है कितना तक बना है और कितना समय लगेगा। तो चलिए इस रेलवे स्टेशन, माझी रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता दूँ, माझी रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा स्टेशन है और यहाँ पे जो डबल लाइन का प्रोग्रेस चल रहा है रेलवे का, वो मैं आपको दिखाऊँगा चल के ब्रिज पे। तो ब्रिज पे जो है कि रेलवे का कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना तक ब्रिज तैयार हुआ है डबल लाइन के लिए। तो चलिए फिर फाइनली हम पहुंच गए उस जगह पे जहां पे रेलवे का कार्य माझी ब्रिज पे, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर माना जाएगा। इस साइड हम देख सकते हैं, पीछे में आएंगे तो ये आपका बिहार में अभी हम खड़े हैं और इधर जैसे आप बकलोहा के साइड यानी बलिया वाले साइड में आएंगे तो आप इधर आपका यूपी पड़ जाएगा। और जो रेलवे का कार्य है वो अभी माझी का जो ब्रिज है अभी आधा अधूरा ही काम स्टार्ट मतलब कंप्लीट हुआ है। अभी इसको आपको स्टार्ट मतलब कंप्लीट होने में अभी समय लग जाएगा, मैक्सिमम मान के चलिए कि 2.5 साल का ब्रिज लग जाएगा लगता है, सरकार लोग का यही तो काम है। लेकिन अभी देख रहे हैं आधा ही अधूरा तैयार हुआ है, आधा अधूरा तैयार है, इसमें लगता है 20 साल लगेगा, 20 साल लग जाएगा क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है सरकार का, भाजपा का राज वैसा ही चलेगा। तो भैया लोग का कहना है, आप लोग यहीं के हैं? यूपी का ही है। तो चलिए भैया लोग यहाँ पे रहते हैं और मछली उछली आप लोग मारते हैं ना भैया? हाँ, तो देख सकते हैं। और भैया लोग का कहना है कि भाई समय लग जाएगा जिस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है अभी डबल लाइन के लिए। और कहा जा रहा है कि डबल लाइन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डबल लाइन 2-3 साल में अभी कम्प्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों, अभी समय लगेगा और डबल लाइन को स्टार्ट होने में रेलवे का, आपका यही माझी का जो है कि गंगा माता है देख सकते हैं, और यही आपको दिखाना था डबल लाइन का प्रोग्रेस जो है कि, तो देख लीजिए यही है आपका गंगा माता का माझी का गंगा घाट और यूपी, और वो आपका यूपी पड़ जाएगा और ये इधर साइड में बिहार पड़ जाएगा। तो यूपी और बिहार के बीच में हम हैं और गंगा घाट पे, तो यही है माझी का ब्रिज। तो ब्रिज आप देख रहे हो वहाँ से जो है कि वो माझी ब्रिज है जहाँ से बस गाड़ियाँ मतलब की आती जाती हैं, तो वो देख सकते हो आप वहाँ पे बस चल रहा है और वहाँ से जो है कि वो माझी ब्रिज है जिस पर बस गाड़ियाँ अगर आती है, और ये इधर आपका चला जाएगा छपरा का साइड और वो उधर चला जाएगा बलिया के साइड, और ये आपका रेलवे के लिए है और एक डबल लाइन तैयार हो रहा है। वो जो ब्रिज बन रहा है ये एक सिंगल लाइन है रेलवे के लिए, और यहाँ से जो ट्रेनें हैं अभी सिंगल लाइन था, जब डबल लाइन आपका बनेगा तो ये जो सिंगल लाइन है आपका रेलवे का यूज होता है। और यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि डबल लाइन जो देख रहे हैं वो अभी तक वहाँ तक अभी कार्य आधा ही मतलब अधूरा अभी काम हुआ है कंप्लीट, और मैं आपको जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो माझी ब्रिज है, माझी गंगा माता का जो मतलब स्थान है, वहाँ पे आपका बीचों बीच अभी पुल का जो है कि कार्य चल रहा है। और यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, वो जो देख रहे हो ब्रिज वहाँ पे, वहाँ तक आपका भी कंप्लीट हुआ है, अभी वो भी आधा अधूरा माना जाएगा क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसको कंप्लीट होने में दोस्तों मैक्सिमम मान के चलिए अभी 3-4 साल लग ही जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी नहीं ये कंप्लीट होने वाला ये ब्रिज। और यही है आपका माझी रेलवे स्टेशन और माझी डबल लाइन का यही अपडेट था 2020 का। अभी हमको लगता है कि मैक्सिमम मान के चलिए 3-4 साल लग ही जाएंगे कंप्लीट होने, क्योंकि आधा अधूरा ही अभी कंप्लीट हुआ है माझी का ब्रिज। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कब तक ले कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहाँ का रेलवे स्टेशन देखना है, कहाँ का विकास हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।